हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मॉर्निंग सेक्शन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एंटोनिम से डे 9 डिस्कस करेंगे और सीखेंगे इसमें कुछ फाइव नए वर्ड्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह और हम आपके साथ हाईवे क्लासेस पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग सेशन के एंटोनिम्स को आप पहला मीनिंग देखते हैं। देखिए, पहला मीनिंग है इकोनॉमिकल। फ्रेंड्स, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब होता है रुपया, रुपये रुपये। इकोनॉमिकल मतलब रुपए से संबंधित, यानी कि मितवई। इसको हम लोग एग्जैक्ट कहेंगे तो मितवई। भाई, मितवई का मतलब क्या हो जाएगा? मितवई क्या मतलब हो जाएगा? कम खर्च करने वाला। मितवई मतलब कम खर्च करने वाला, या खर्चा कम करने वाला, या समय का पाबंदी मतलब कम, ऐसा जो भी चीजें हो मतलब इकोनॉमिकल है एकदम से। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जितना जरूरत है उतना ही हम एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि जितना जरूरत है उतना ही हमें खर्चा करना है, ये इकोनॉमिकल मतलब होता है। इकोनॉमिकल पर्सन जो है मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं खर्च करता है, जितना जरूरत है उतना ही। इकोनॉमिकल, समझ गए? क्लियर है? मितव्यय यानी कि ज्यादा अत्यधिक इन जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करना। जैसे क्या होता है, जैसे हमने खाना खा के गए, भाई खाना खा के गए, रास्ते में देखा कि दुकान पड़ी मिठाई की, तो वहां पर क्या किया हमने, जो है छेना खाने लगे, रसगुल्ला खाने लगे। मतलब खाना खा के गए तभी खाने लगे, है ना, और दोस्तों को ऐसे जो है बुला के खिलाने लगे। तो ये हो जाएगा अलग चीज, अगर इसको ना किया जाए ये इकोनॉमिकल है, ठीक है। और ये सब करोगे तो आ जाओगे एक्स्ट्रावेजेंट में। अगर गए खाना खा के, इस रसगुल्ला खाए और भी सारी चीजें खाए, खूब खाए, खाना खा चुके फिर भी खाया, तो अब आ चुके हो आप एक्स्ट्रावेजेंट में। एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स होता है अत्यधिक खर्चीला, अत्यधिक अत्यधिक खर्चीला, अत्यधिक खर्चीला। ये जो है मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करना एक्स्ट्रावेजेंट हो जाता है। एक्स्ट्रावेजेंट इकोनॉमिकल मतलब जरूरत भर ही खर्च करना, एक्स्ट्रावेजेंट अत्यधिक खर्च करना। और ये हम लोग, आई होप, मुझे लगता है कि जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है वो एक्स्ट्रावेजेंट में आ जाएंगे, क्योंकि वो जो है जरूरत से ज्यादा भी खर्च कर लेते हैं ना। और इकोनॉमिकल एज ए स्टूडेंट आपको इकोनॉमिकल ही रहना चाहिए जब तक आप लोग अपना अर्न नहीं करते खुद से, ठीक है। जब आप लोग अर्न करने लगे एक्स्ट्रावेजेंट में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को लगभग में इकोनॉमिकल ही रहना चाहिए, जितना खर्च करना है उतना ही खर्च करें, माइंड मेकअप अच्छा रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। लिखा है फ्रैंक। फ्रैंक फ्रैंक मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट। आदमी कहता है मैं बिल्कुल स्पष्ट मतलब फ्रैंकली पढ़ाता हूँ आपको, मतलब स्पष्ट से मतलब फ्रैंकली पढ़ाता हूँ। फ्रैंक बिल्कुल फ्रैंक है, स्पष्ट है, मतलब बिल्कुल सब जो भी है साफ सुथरा है, स्पष्ट है, जब क्लियर है, सब आपके सामने है, फ्रैंक है सब इसमें, ठीक है। तो ये होता है स्पष्ट। और रिजर्व मीन्स होता है फ्रेंड्स, रिजर्व मीन्स एक सुना होगा आपने, आरक्षित। रिजर्व मीन्स होता है आरक्षित, या कह लीजिए संयमी, संयमी कह लीजिए, गैर मिलनसार, गैर मिलनसार। भैया जो आरक्षित होगा उसके पास टाइम कहाँ होगा, मतलब जो आरक्षित मतलब रिजर्व है, या कहो संकोची, संकोची। ये सब रिजर्व के सिनोनिम्स हो जाएंगे हिंदी में, ठीक है। रिजर्व होगा भाई, रिजर्व मतलब कोई चीज जो है वो पहले से ही मतलब रिजर्व है, तो ये मतलब उसकी कमी है, ये संकोच है। और ये पहले रिजर्व, जैसे कोई पर्सन रिजर्व है, कोई व्यक्ति रिजर्व है, तो उससे मिलन गैर मिलनसार मतलब रिजर्व हो चुका है, उससे मिलने में आपको प्रॉब्लम होगी। इस ये वही हिंदी के सिनोनिम्स है, रिजर्व मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, काफी अच्छा वर्ड है फ्राउन। फ्रेंड्स, फ्राउन मतलब होता है, फ्राउन मतलब FROWN, फ्राउन मतलब होता है क्या? भौं चढ़ाना। भौं चढ़ाना का अर्थ मतलब क्रोधित होना, क्या? क्रोधित होना, क्रोधित, एंग्री, क्रोधित होना, एंग्री नहीं होता है, क्रोधित होना, भौं चढ़ाना। जैसे कभी कभार देखा होगा कोई व्यक्ति होता है, माँ जो है अपना पूरा फेस बना लेता है, भौं ऊपर चढ़ा लेता है ऐसे करके, मतलब बहुत गुस्सा जताना, क्रोधित होना। फ्राउन मतलब होता है क्रोधित। और फ्रेंड्स, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, क्या होता है? मुस्कुराना। ये देखो स्माइल, स्माइल मीन्स होता है भाई मुस्कुराना, ये लिखने की जरूरत नहीं है तो फिगर से ही काम चल गया। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फोर्थ, फियर्स। फ्रेंड्स, फियर्स मीन्स होता है क्या? भयंकर। फियर्स मीन्स होता है भयंकर, या कहो भीषण,
भयंकर आंधी चलती है, तूफान आता है, फियर्स भयंकर मतलब रात होती है, भीषण मतलब काली रात होती है, भयंकर रात नहीं मतलब फियर्स मतलब भयंकर भीषण संबंधित ये सब वर्ड है यहाँ पर इसका, फियर्स। और जेंटल मीन्स होता है फ्रेंड्स, जेंटल मीन्स होता है कोमल, शांत, कोमल या शांत कहो, शांत कोमल कहो, और ये भीषण हो जाएगा। यहाँ पर भीषण है, भयंकर है, यहाँ पर शांत है। जेंटलमैन्स भी होते हैं वो कोमल व्यक्ति मतलब अच्छे स्वभाव के जेंटलमैन, है ना, ये वही शांत या कोमल या अच्छे स्वभाव के जेंटलमैन, ठीक है। ये देखिए फर्म, फर्म मीन्स होता है फ्रेंड धड़, धड़ कहो या कहो कड़ा, कड़ा मतलब जो टाइट नहीं होते, कड़ा मतलब फर्म या धड़, कड़ा कड़ा कहो या धड़ कहो मतलब जो टाइट है, कड़ा है। और इनफर्म मतलब हो जाएगा क्या, असक्त, असक्त मतलब क्या हो जाएगा भाई, मतलब जो कड़ा ना हो, जिसमें शक्ति ना हो, असक्त जिसमें शक्ति ना हो, तो वो बीमार भी हो जाएगा भाई, जिसमें शक्ति नहीं हो बीमार है, बीमार बीमार मतलब यही निकला है, मतलब इसका सेंस यही निकलेगा, बीमार मतलब इनफर्म मतलब बीमार है मतलब शक्ति नहीं रही, असक्त यानी कि जो मतलब ढीला ढाला है, इनफर्म, ठीक है। क्लियर है गाइस, आई होप आप लोगों को ये वर्ड्स 5 क्लियर हुए होंगे। दरअसल ये वर्ड 5 नहीं होते यहाँ पर, वर्ड्स आपके हो जाते हैं 10, भाई 5 इधर 5 इधर, तो आपका वर्ड हुआ 10, 5 नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। इस लेक्चर को मॉर्निंग सेशन में सबको एक मैसेज भेजा करो अपने लेक्चर का, सबको, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी।